नमस्कार, मैं इस्लामुद्दीन खान, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। भारत में महिलाओं और नाबालिग बच्चियों के साथ घिनौनी वारदात होने की खबर हमेशा सामने आती है। लोग हमेशा महिलाओं और बच्चियों के समर्थन में इंसाफ दिलाने के लिए कैंडल मार्च भी निकालते हैं। खासकर नाबालिग बच्चियों के साथ हो रही बलात्कार की घटनाओं को देखते हुए भारत सरकार ने पॉस्को कानून बनाया। ये कानून इसलिए बनाया गया कि नाबालिग बच्चियों के साथ हो रही घिनौनी वारदात पर लगाम लग सके। मगर इसके बावजूद देश में मासूम बच्चियां महफूज नहीं है। कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है मुंब्रा के शरीफा रोड से, जहां एक 10 वर्षीय मासूम बच्ची को अश्लील फिल्म दिखाकर उसके साथ गंदी हरकत की गई। चौंकाने वाली बात यह है कि यह घिनौना काम करने वाला कोई और नहीं बल्कि उस नाबालिग बच्ची का मामा का लड़का है, जो इस बच्ची का भी भाई है, जिसका नाम अनीस है। इस घिनौनी घटना सामने आते ही बच्ची की बड़ी बहन परी ने इसकी शिकायत मुंब्रा पुलिस स्टेशन में दर्ज करा दी। आइए जानते हैं क्या कहा बच्ची की बड़ी बहन परी ने। बारे में मतलब आपने मुंब्रा पुलिस चौकी में क्या मामला दर्ज करवाया? मेरा जो मामू का लड़का है अनीस, उसने मेरी बहन को मोलेस्ट किया। अच्छा। ये आज से 3 महीने पहले किया था उसने, और उसने मेरे को बहुत लेट बताया। इसके लिए मैं आज कंप्लेंट करने के लिए आई। किसके खिलाफ? मेरे भाई के खिलाफ, अनीस। अनीस आपका भाई है? हाँ, जो मेरे मामू का लड़का है। अच्छा 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 अच्छा। तो अभी मतलब ये घटना क्या थी, मतलब किस आधार पे आप मुंब्रा पुलिस चौकी आए? मतलब मेरी बहन 9 साल की है। हाँ। और मेरा भाई जो है 23 साल का है। हाँ। इसने मेरी बहन के साथ में मतलब उसको सेक्सुअली फोर्स किया। हाँ। सेक्स करने के लिए फोर्स किया। हाँ। तो उसने वो चीज़ का विरोध करके वो डर के मारे चुप बैठ गई, और उसने भी मतलब वो टाइम पे मामा की एंट्री हो गई, इसके लिए कुछ बोल ही नहीं पाई डर के मारे। तो 3 महीने तक उसने बात छुपा के रखी। तो भी सब होने के बाद में अब हम लोग को मालूम पड़ा, तो हम लोग यहाँ पे आए, तो हम लोग ने कार्रवाई की। अब कार्रवाई करने के बाद में FIR कॉपी मेरे हाथ में 12 बजे आई है। FIR कॉपी हाथ में आते साथ ही मेरे मामा लोग यहाँ से चले गए, मेरी मम्मी को भड़काया उन्होंने और बच्ची को ज़बरदस्ती अपने साथ लेके चले, ताकि वो कोर्ट में मतलब अपना स्टेटमेंट बदल दे। अच्छा, मतलब वो बच्ची को नहीं ले जाना चाहिए था? नहीं लेके जाना चाहिए था। उससे मतलब ले जाने से क्या तकलीफ होगी? वो स्टेटमेंट बदल देगी ना, जिसको सजा मिलनी चाहिए उसको सजा नहीं मिल पाएगी। ये आपका कहना? ये मेरा। बच्ची की बहन परी आरोप लगा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बच्चे की माँ का कहना है, मेरी बड़ी बेटी यानी परी ने छोटी बेटी को बहला फुसला कर गलत बयान दिलाकर अनीस को फंसाया है। वहीं अब माँ के पास पहुँचते ही बच्ची ने बयान बदल दिया है। क्या कह रही है बच्ची, आप खुद ही सुन ले। हम लोग जब निकले थे ना, आज ही बोले थे। आज ही बोले? हम लोग जब निकले थे तभी बोले थे। क्या बोले? तेरी मम्मी को मार डालूंगी। हाँ। पटरी पे डाल देंगी तेरे भाई लोग को। हाँ, कौन बोला? ये मोहम्मद अली बोला कि परी बोली? मोहम्मद अली बोला। सच बताया था। क्या? गंदे चाले का। जो पहले बहुत साल पहले किया था। बहुत साल पहले अनीस भाई ने गंदे चाले किए थे आपके साथ। क्या क्या किया था बेटा? जब मेरे को मालूम पड़ा कि चौकी में आई तो मैं आ गई। अब मेरे को दोष दे रही, मतलब अभी मैं उसकी मैं हूँ माँ, तो मुझे मतलब वो लोग ऑफिसर सुन नहीं रहे कि जो फरियादी जो आई है उसकी बात लगे, मतलब मैं कोई हूँ नहीं हूँ, मतलब मुझे बेवकूफ में गिनती कर रहे। पहले भी उसने सुना नहीं, मतलब पहले वो जो गलती कर चुकी है तो उसकी लाइफ में भी वही गलती होना चाहिए। क्या मतलब दूसरी परी बन जाए, यही सीन हो जाएगा ना। जितना हो सके मैं बचाने की कोशिश करी तो वो उल्टा ही हो रहा है, और मुझे अभी धमकी दे रही है कि इधर आइए, स्टेटमेंट चेंज हो जाएगा तो फिर अच्छा नहीं होगा, फिर सबको मतलब भारी पड़ेगा। मतलब वो भी दादागिरी कर रहे हैं, वो करेंगे। गौरी को लेके जाने का? हाँ, गौरी को लेके जाना है। मैंने बोला क्यों तू? हाँ। गौरी को लेके जाएंगे, कोई जरूरत नहीं। गौरी मेरी लड़की, मेरे साथ मैं जा रहूँगी, मैं रस्ते पे रहूँ या किधर भी रहूँ। हाँ। मेरी लड़की मेरे वो साथ क्यों लेना चाहते थे? क्या मालूम, पता नहीं उसको क्या है। गौरी का क्या मामला है पुलिस स्टेशन? मुझे मालूम नहीं है उसको क्या प्रेशर है, क्या नहीं, क्या चल रहा है। ये गौरी ने पुलिस स्टेशन में क्या बोली? गौरी ने वही बताया कि बाबा दादा ने मेरे को कुछ ऐसे पिक्चर्स बताए थे, तो फिर सीनियर ने वही बोले कि बाबा ऐसे है, आपकी लड़की बता तो रही है, ये सब हो गया। तो वहाँ पे पुलिस स्टेशन में क्या हुआ? पुलिस ने आपकी कितना सहायता की? सहायता मतलब इसके वो लड़की की बात मान रहे थे ना। किसकी बात? मेरी बड़ी लड़की। अच्छा, फरियादी को? फरियादी मतलब मेरी बड़ी लड़की, मैं फरियादी नहीं हूँ।
अच्छा मैंने नहीं किया ना, बड़ी लड़की ने किया बिना बता के, वो आ गया ना। तो आपने सुना बच्ची ने क्या कहा। बच्ची का कहना है कि परी दीदी ने डरा धमका कर पुलिस के सामने झूठा बयान दिलाया था, मगर जब हमने मुंब्रा पुलिस स्टेशन के सीनियर इंस्पेक्टर किशोर पासलकर से ये जानकारी ली क्या ये केस झूठा है या किसी बेगुनाह को पॉस्को के तहत फंसाने की साजिश है, तो किशोर पासलकर ने बताया कि ये केस झूठा नहीं है। बच्ची का बयान हमने लिया है, ये केस बच्ची के दिए बयान पर ही दर्ज हुआ है। आरोपी अनीस के खिलाफ धारा 354 पॉस्को के तहत मामला दर्ज हुआ है, उसे 3 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। अब इस मामले में कितना सच और कितना झूठ है ये तो पुलिस जांच में आगे पता चलेगा। तो देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।